हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पायल। आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू प्लस डेमो शेयर करने वाली हूँ चारकोल पील ऑफ मास्क की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक चाइनीज़ ब्रांड का प्रोडक्ट है और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 130 ml, और इसकी जो प्राइस है वो है 299 लिखा हुआ है, बट मुझे ये 60 rupees में परचेस हुई थी। और इस ब्रांड का क्या नाम है वो तो है चाइनीज़ में, तो ये इस ब्रांड का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे चाइनीज़ नहीं आती है। और इसके अलावा भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बैम्बू चारकोल वाइटनिंग एंटी ब्लैकहेड मास्क प्लस क्रीम है। तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और ये क्या क्या क्लेम करता है मैं आपको ये सब नहीं बता सकती क्योंकि सब कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में है और चाइनीज़ मुझे आती नहीं। तो इस तरह की बॉक्स में आपको मिलेगा और इसके अंदर कुछ ऐसे ट्यूब की फॉर्म में आपको ऐसे फ्लिप टॉप कैप में प्रोडक्ट मिलेगा। तो को 130 ml मिल रही है 60 rupees में। ये बहुत ही सस्ते पील ऑफ मास्क है क्योंकि ज़्यादातर पील ऑफ मास्क 200 चारकोल पील ऑफ मास्क 200 या 150 से ऊपर होते हैं, बट ये 60 rupees में बहुत ही सस्ती है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा है 130 ml। तो इस प्रोडक्ट को मैंने एक मंथ पहले ख़रीदी थी, तो इसको मैंने एक दो बार यूज़ भी किया है। मोरओवर 3 or 4 times मैंने इसको यूज़ किया था। तो यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्किन में व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं वो आपकी जो एक ही यूजेस से नहीं निकालेगा। बहुत सारे चारकोल पील ऑफ मास्क है जो एक ही बार में सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को निकालते हैं, बट इस फेस इस चारकोल पील ऑफ मास्क ऐसा नहीं करता क्योंकि इसको आपको 2-3 बार यूज़ करने के बाद भी आप देखेंगे कि आपके जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स है वो काफ़ी मतलब फेड हो गया है, निकल गया है। आइए चलिए बात करते हैं अब डेमो की। डेमो देने से पहले मैं अपनी स्किन को स्टीम करूँगी क्योंकि स्टीम करने से क्या होगा, स्टीम करने से स्किन में जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर आप अगर पील ऑफ मास्क करते हो या फिर लगाते हो तो वो जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं वो अंदर से पूरी तरह से निकल जाती है, पूरा क्लीन अप हो जाता है। तो इसको लगाने से पहले मैं अपने स्किन को स्टीम करूँगी। स्टीम करने के बाद मैं इस फेस मास्क को लगाऊँगी। कैन सी मैंने स्टीम ले लिया है, तब मैं इस फेस मास्क को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करूँगी। उससे पहले आप अपने स्टीम लेने के बाद आप अपने फेस को ऐसे हल्के से ऐसे पैट टाइप कर लीजिए। आफ्टर स्टीमिंग आप चलिए ट्राई करते हैं फेस पैक को। मैं ज़्यादा थिक लेयर भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि थिक लेयर लगाने से वो अपनी सूखने के मतलब सूखने में प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा थिन भी नहीं लगा रही हूँ, इससे आपके जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और फेशियल हेयर है वो अच्छे से निकलेगी नहीं। जिस जगह पे मुझे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ज़्यादा है, मुझे ब्लैक हेड्स तो नहीं है, व्हाइट हेड्स ही है, तो जिस जगह पे ज़्यादा है मैं उस जगह पे थिक लेयर, बहुत ही थिक लेयर लगा रही हूँ। जैसे कि मेरे इस नोज़ एरिया पे, चिन एरिया पे, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा व्हाइट हेड्स है, इसलिए इस जगह पे मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। एज यू कैन सी मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है। आप इसको 30 minutes तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो मैं मिलती हूँ आपको 30 minutes के बाद। देख सकते हैं पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो ये एक बार ये ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपका स्किन ऑयली है या फिर आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब मैं इसे नीचे से पुल करूँगी।
आप आइए बात करते हैं रिव्यू के बारे में। तो ये जो फेस मास्क है ये मेरे सारे फेशियल हेयर को नहीं निकाले हैं, मतलब जो छोटे छोटे होता है जो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो वो उसको निकाले हैं, बाकी के ये नहीं निकाले हैं। मतलब जो जिन जिन एरिया पे फेशियल हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि इस पार्ट में इस जगह पे फेशियल हेयर नहीं निकाले हैं। अगर आपके फेशियल हेयर स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके ये फेशियल हेयर उतने नहीं निकालेगा। प्लस ये मेरे व्हाइट हेड्स भी यहाँ पे पूरी तरह से नहीं निकाले हैं, मैंने स्टीमिंग की थी फिर भी ये सारे नहीं निकाले हैं। तो इस केस में इसको आपको 2-3 बार यूज़ करने के बाद ही ये आपके पूरे जो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है पूरी तरह से निकलेगा। पर ये अफोर्डेबल है, आपको एक बार इसको परचेस करके यूज़ करनी चाहिए। तो ओवरऑल यही थी मेरी आज की रिव्यू ऑन दिस टॉपिक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।